अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं, जैसे कि आपको पता है आज संडे है, तो हम यूजुअली संडे घूमने जाते हैं। तो आज मैंने सोचा आप लोग को मैं दुबई का सबसे बड़ा सूक दिखाऊं, जो कि है गोल्ड सूक। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे उसकी एंट्रेंस है। तो आज मैं आप लोगों को सब यहाँ की जो स्पेशलिटी गोल्ड में है वो मैं आपको सब दिखाऊंगी। आप लोगों को तो वैसे भी पता है जो यूएई का गोल्ड होता है वो बहुत ही फेमस है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। चले आज बने रहें। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर गोल्ड सूक गेट 2 पर, और आप देख सकते हैं करीना कपूर है जो कि ब्रांड एम्बेसडर है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के, और अनिल कपूर भी ब्रांड एम्बेसडर है। तो मेरे साथ चले आप, और अभी मैं देख रही हूँ गोल्ड, तो हर तरफ जो है टूरिस्ट मुझे ज़्यादातर नज़र आए हैं। और आपको पता है संडे का दिन था तो भीड़ भी बहुत थी, रश भी बहुत था दुकानों पर। तो अभी मैं देख रही थी कहाँ से मैं लूँ, तो अभी मुझे फाइनली फिर एक जगह दिखी तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ से लेती हूँ। ये देखिए आप, अनिल कपूर की फ़ोटो लगी है और ऊपर करीना कपूर की भी लगी है, तो अच्छी बात है, ये अच्छा लगता है कि हमारे इंडियंस के जो है ऐसे सब लोग जानते हैं इनको, तो अच्छा लगता है। तो फाइनली आप देख सकते हैं, ये देखें आईफोन का कवर है, आप लोग देख सकते हैं गोल्ड का है, मैं वो भी बता दूँ गोल्ड है ये, ठीक है, ये रियल गोल्ड है ये। ये देख सकते हैं आप आईफोन का कवर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर एनिमल्स के भी लोग ज्वेलरी बनाते हैं, और आप देखें कितनी बड़ी बड़ी, कितनी हैवी हैवी ज्वेलरीज है। और यहाँ पर्सेस भी आप देख रहे हैं वो भी गोल्ड के हैं, वो भी मैं आप लोग को बता दूँ। और ये देखें कैसे ज्वेलरी पे भी एनिमल्स है। तो फाइनली मैं एक शॉप में भी एंटर हुई हूँ, और यहाँ पर लोकल्स भी हैं, सब नेशनलिटीज़ के लोग हैं, रेसिडेंट्स भी हैं और विजिट वीज़े वाले भी हैं, टूरिस्ट ज़्यादातर वो भी हैं। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ से पूरे गोल्ड, और बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइंस हैं, बहुत ही प्यारा लग रहे थे मुझे। तो अभी मैं देखने लगी थी, और मुझे अभी मैंने प्लान किया कि चेन मुझे लेनी है गोल्ड की, तो मैं वही मैं देख रही थी, जो मुझे डिज़ाइन जो पसंद आ रहा था वो मुझे ग्राम्स में मिल नहीं रहा था सही में। तो फाइनली मैंने गोल्ड चेन अपने लिए 2 ली है, और सबसे अच्छी बात बता दूँ कि 0 मेकिंग चार्जेस है, तो मुझे बहुत वो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, वो बहुत ही मुझे यानी कि एक्साइटमेंट दे दिया उसने, और तो इसलिए मैंने ले लिया अपने लिए फाइनली। और मैं आप लोग को एक और एक बात बता दूं, बहुत टूरिस्ट होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि मेल को 20 ग्राम्स ऑफ गोल्ड अलाउड है ले जाना दुबई टू इंडिया, यानी कि यूएई टू इंडिया, जो कि 50,000 रुपीस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और औरतों के लिए 40 ग्राम वो गोल्ड ले जा सकती हैं फ्रॉम यूएई टू इंडिया, विच शुड नॉट बी मोर देन 100, यानी कि 1,00,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर रहा तो फिर उनको कस्टम पे करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट मैंने सोचा आप लोग को मैं बता दूं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, और अनफॉर्चुनेटली फिर उनको कस्टम बहुत पे करना पड़ता है इंडिया के एयरपोर्ट पर। और ये देखे मुझे गोल्ड पैकेट्स भी बहुत अच्छी लगी, मैंने सोचा मैं ले लूँगी, उनको बोला फ्री में दे दें, तो उन्होंने दे दिया मुझे। आपको तो पता है औरतें फ्री की चीज़ें छोड़ती नहीं हैं, तो मैंने ले लिया एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉज़ वेरी हैप्पी। तो ये देखें खुशी कितनी है। और लकीली मुझे एक बहुत अच्छा ऑफ़र मिल गया, 0 मेकिंग चार्जेस, तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, और मैंने अपने लिए भी गोल्ड चेन्स रिंग मैंने भी अपने लिए ले ली, सो आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बस इतना ही कहना था, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।